तो दोस्तों, सीधे हम बात करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज एचएल कंपनी के बारे में। और एचएल के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 3% के अराउंड की एक बहुत ही गजब की तेज़ी, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर लोअर लेवल से एक शार्प रिवर्सल और एक अच्छी खासी पॉजिटिव प्रोविजनल क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो पिछले दो दिन से ये काउंटर 4200 के मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलने का ट्राई कर रहा था, बट आज एक न्यूज़ ऐसी आई और एचएल के अंदर यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिल गई। तो देखो दोस्तों, एचएल को यहाँ पर जो है वो तेजस एलसीए के इंजिन्स बनाने का यहाँ पर जो है वो ऑर्डर मिला है, राइट। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए यहाँ पर उसके कुछ प्रोडक्ट्स एंड सप्लायंसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एचएल को जो है वो फाइनली अब यहाँ पर ये जो तेजस एलसीए करके जो जेट इंजन है, या फिर अगर हम कहें तो ये एक टाइप का रॉकेट है, उसको बनाने के लिए जो अप्लायंसेस लगेंगे वो कंपनी को मार्च से यहाँ पर प्रोवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, वो ऑर्डर्स को कम्प्लीट करेगी एंड फाइनली इनके बैंक ऑफ अकाउंट्स में वो ऑर्डर का अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। एंड इसीलिए काउंटर के अंदर आज हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल गया, मेजर सपोर्ट से भी रिवर्सल आया। अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहा तो अगेन 4600 से लेकर 5000 तक के अपसाइड्स हमें देखने को मिल सकते हैं।